हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, पंजाब किंग्स इलेवन और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए मैच में सबसे पहले तो आपको बता दें भाई कि पंजाब किंग्स इलेवन इस मैच को हार चुका है, दिल्ली कैपिटल्स इस मैच को जीत चुका है। लेकिन आखिरी ओवर में काफ़ी कुछ देखने को मिला, काफ़ी ड्रामा भी देखने को मिला। आपको बता दें कि आखिरी ओवर ईशांत शर्मा को दिया गया, दिल्ली कैपिटल्स के ईशांत शर्मा को, और आखिरी ओवर में 6 बॉल पे 33 रन चाहिए थे। हालांकि क्रिकेट मैच है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, और जब सामने लिविंगस्टन जैसे बल्लेबाज हों तो लोग एक्सपेक्टेशन रख भी लेते हैं कि शायद ऐसा हो जाए। हालांकि लिविंगस्टन की अगर बात करें दोस्तों, तो भाई उनकी तारीफ करनी ज़रूर बनती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी, पूरी कोशिश की मैच को जिताने के लिए। इसी बीच आपको बता दें, आखिरी ओवर में एक नो बॉल भी हो गई थी, जो लग रहा था कि शायद एक वरदान साबित हो सकता है पंजाब किंग्स इलेवन के लिए, लेकिन इसके बाद जो है बट ऐसा नहीं हो पाया और पंजाब किंग्स इलेवन इस मैच को हार गई है, दिल्ली कैपिटल इस मैच को जीत गया है।